दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ फ्रॉम प्रोप्ले, एंड यहाँ पे जो है आप लोगों का काफ़ी सारी चीज़ें फीचर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। देखो मल्टी फंक्शनल मोटरसाइकिल ऑडियो विजुअल सिस्टम, इसके साथ में दो कैमरा भी मिलता है, दो कैमरा भी इंस्टॉलेशन करवाएंगे हम लोग। ये जो है ये है कारप्ले सिस्टम, काफ़ी सारे कारप्ले हैं वो काफ़ी वाइड आते हैं बट दिस इज़ वेरी स्लीक। यहाँ पे फ्रंट में हम लोगों का जो कैमरा है वो लग गया है, बैक वाला जो है वो यहाँ पे लग गया है, तो अभी इग्निशन के साथ में कनेक्टेड है। देन द मोमेंट यू विल स्विच इट ऑन, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑन हो रहा है यहाँ पे, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम अगेन बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग आज इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में कारप्ले। फाइनली आई गॉट इट, तो पूरी डिटेल्स बताऊंगा मैंने कहाँ से परचेज किया, कितना प्राइस रहा, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। देन उसके बाद में लास्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे कनेक्शन दिया है BMW 850 GSA में, जैसे अभी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए क्या चीज़ है यहाँ पे, अपना टॉप बॉक्स में खोल के आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा देता हूँ मैं कौन सा है। अभी बाइक तो थोड़ा गंदा हो रखा है क्योंकि हम लोग राइड पे जाके आए थे इंडिपेंडेंस डे का, उसके बाद में मैंने निकाला नहीं वॉश करने के लिए। दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ फ्रॉम प्रोप्ले, एंड यहाँ पे जो है आप लोगों का काफ़ी सारी चीज़ें फीचर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। देखो मल्टी फंक्शनल मोटरसाइकिल ऑडियो विजुअल सिस्टम, इसके साथ में दो कैमरा भी मिलता है, दो कैमरा भी इंस्टॉलेशन करवाएंगे हम लोग एक फ्रंट और बैक में। जो डिफरेंस है वो प्राइस में बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने ये परचेज़ किया, तो बाकी सारा चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखो आप मल्टी फंक्शनल मोटरसाइकिल ऑडियो विजुअल सिस्टम, आप लोगों का पूरा कारप्ले जो है वो इंस्टॉल हो जाता है इस तरीके से। जहाँ पे हम लोग माउंट कराने वाले हैं अपनी बाइक में वो मैं सोच रहा हूँ इस लोकेशन पे कराएंगे क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन माउंट रहता है तो भी थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आता है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेल बैग, यहाँ पर अगर टैंक बैग लगा लेता हूँ तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका विजिबिलिटी कम हो जाता है, एंड प्लस क्योंकि फ़ोन यहाँ पे माउंट रहता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं टर्निंग भी नहीं कर सकता हूँ प्रॉपरली। तो इसलिए मैं जब टैंक बैग यूज़ करता हूँ तो मैं उसके बाद में हटा देता हूँ फ़ोन यहाँ से, दैन टैंक बैग का जो मेरा मोबाइल पाउच है उसमें मैं डालता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को यही बेस्ट पोजिशन समझ में आ रही है 850 GSA में। बट आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों को माउंट दिख रहा है ये GPS माउंट है, यहाँ पर मैं वैसे GoPro लगाता था बट अभी ये वाला पीक डिज़ाइन वाला आई विल सेल इट बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मोबाइल का जो कैमरा सेंसर होता है वो जनरली ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से ना यहाँ पे माउंट करना मेरे को भी सही नहीं लगता है। तो इधर पे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को माउंट करने के लिए मिल जाएगा, इधर पे माउंट करेंगे, इधर पे अपना बाइक का डिस्प्ले रहेगा, इधर पे अपना कारप्ले का डिस्प्ले रहेगा। 5 इंच का स्क्रीन है इसमें, अगर आप लोगों को ये वाली जो स्क्रीन है ये आप लोगों को 5 इंच की रहती है, तो अभी इसको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से है। बाकी जो बॉक्स में क्या क्या आइटम है वो भी एक बार दिखा दूँगा। तो ये जो है ये है कारप्ले सिस्टम, काफ़ी सारे कारप्ले हैं वो काफ़ी वाइड आते हैं बट दिस इज़ वेरी स्लीक, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। एंड प्लस आप लोगों को ये जो वायरिंग दिख रहा है रेड ग्रीन ब्लू, ये वाला वायरिंग जो है कैमरा के लिए है, एक आपका जो मेन कनेक्शन रहेगा डिस्प्ले का उसके लिए रहेगा। और उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे और चीज़ें दिखा देता हूँ क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे। ये जो है ये कैमरा है, एक फ्रंट का रहेगा एक बैक का रहेगा, बाकी इसके साथ में माउंट भी मिल जाता है, अगर आप चाहते हो तो इसको रिप्लेस करा सकते हो, जैसे लॉक वाला रहता है, लॉक वाला अगर आप लोगों का ये रहेगा तो इस तरीके से ही ओपन नहीं होता किसी से भी, तो इसका एक अलग से की आता है। एंड उसी के साथ में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला बैक साइड का रहेगा, ये माउंट हो जाएगा, देन ये वायरिंग हो गया, ये डिस्प्ले के लिए वायरिंग हो गया, और ये बॉल अडेप्टर हो गया, बॉल अडेप्टर यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे जिस तरीके से ये वाला लगा हुआ है सेम वे में आप लोगों को यहाँ पे लग जाएगा। ये वाला देखेंगे कौन सा बेस्ट फिट आता है तो उसी तरीके से माउंट करेंगे। अभी यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू कराते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा स्नीक पिक दे दूँगा जो भी जिस तरीके से भी इंस्टॉलेशन होएगा इसका। एक चीज़ जो और है वो आप लोगों को यहीं से दिखा देता हूँ मैं क्योंकि इंस्टॉल हो जाएगा देन उसके बाद में नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो है मेमोरी कार्ड पड़ता है आप लोगों का, ये की जो है ये पूरा अच्छे से टाइट हो जाता है देन उसके बाद में ही आप लोगों का ये मेमोरी कार्ड अंदर जाएगा। तो इधर से है, देन यहाँ पे भी कुछ पोर्ट दिया हुआ है, ये देखना पड़ेगा क्या चीज़ का है। और साथ में इधर पे माइक है, इनबिल्ट स्पीकर भी है यहाँ पे, कहाँ पे मैंने देखा था थोड़ा सा इसमें माइक, इसमें भी आवाज़ आता है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, कॉम्पैक्ट है, तो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे देखे मैंने
स्कॉर्पियो राइड एंड जितने भी हैं वो सारे थोड़े से वाइड रहते हैं। वो भी एक अंदर बाइक में लगा हुआ, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो अभी आप ओवरले में देख रहे हो, ये है इसका स्कॉर्पियो राइड का या फिर कोई दूसरा ब्रांड है आई गेस, बट मैक्सिमम जो है वो सारे इसी तरीके से रहते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका कारप्ले का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। फिलहाल के यहाँ पे लगाएंगे, दिस वन विल बी माउंटेड ऑन द रैम माउंट। यहाँ पे यहाँ से हटा दिया रैम माउंट, और रैम माउंट का थोड़ा सा ये 4 इंच वाले की जगह 2 इंच वाला लेना पड़ेगा, ये बाद में चेंज करा देंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो 4 इंच से एक्चुअली थोड़ा सा डिस्प्ले जो है इस साइड चला जा रहा है, सो उसको सेंटर में लाने के लिए 2 इंच का आर्म लेना पड़ेगा, देन इट विल बी इंस्टॉल्ड एग्जैक्टली ऑन द सेंटर। तो ये होएगा, देन उसके बाद में यहाँ से आगे एक निकल के कैमरा लगेगा, वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। एक फ्रंट को भी देखा था मैंने, यहाँ पे माउंट किया था, तो इट विल गिव यू द क्लियर व्यू ऑफ द फ्रंट व्हीकल और वट एवर इज़ देयर। एंड प्लस यहाँ पे एक इंस्टॉल होएगा जो बैक साइड का कैमरा, जैसे इस वाली बाइक में भी हो रखा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इधर पे इंस्टॉल किया इस तरीके से। तो ये जो फ्रंट वाला जो डैश कैम है, मतलब जो कैमरा है, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया इस तरीके से। इसका वायरिंग जो है यहाँ पे जाके कनेक्ट होएगा, एंड जो बैक वाला है अपना इधर पे इंस्टॉल किया। काफ़ी जगह यहाँ पे भी करते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल इट। यहाँ से कवर हो जाता है, वैसे भी वाइड एंगल रहता है तो सारी चीज़ें कवर कर लेता है, एंड अभी हो जाता है इंस्टॉल, देन उसके बाद में दिखाते हैं इसका। तो अभी अपनी बाइक में पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, यहाँ पे कार प्ले सिस्टम जो है वो लग गया है, प्रो प्ले का है, दिस इज़ फ्रॉम प्रो प्ले। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन आता है यहाँ पे, देखो कितना साइड से कितना ही स्लीक है। एंड उसी के साथ में यहाँ पे फ्रंट में हम लोगों का जो कैमरा है वो लग गया है, इसका अलाइनमेंट कर दिया है। देन उसके बाद में जो बैक वाला है, बैक वाला दिखा देता हूँ, बैक वाला जो है वो यहाँ पर लग गया है। तो अभी इग्निशन के साथ में कनेक्टेड है, देन द मोमेंट यू विल स्विच इट ऑन यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑन हो रहा है यहाँ पे, देन ऑन होने के बाद में आप लोगों को ऑप्शन दिखाएगा वहाँ पे कार प्ले में जाने का। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, 000, चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग कार प्ले में जाओगे तो देन इट विल गेट कनेक्टेड टू योर मोबाइल डिवाइस, इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये रियर कैमरा में दिख रहा है, इधर से फ्रंट में स्विच कर सकते हो, फ्रंट में आप लोगों को सारा दिखा देगा। स्नैप लेना है स्नैप ले सकते हो, रिकॉर्डिंग लेना है रिकॉर्डिंग ले सकते हो, माइक ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सेटअप में जाओगे तो आपका मेमोरी कार्ड जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें और ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो में जाओगे तो ऑटो एंड्रॉयड ऑटो का हो गया, कार प्ले एप्पल का हो गया, DVR में आपका ये आ गया है, ब्लूटूथ ईयर में अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो भी सेना आप यूज़ करते हो या जो भी इंटरकॉम यूज़ करते हो वो आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला चीज़ें इस तरीके से इंस्टॉल हुआ है। तो अभी आप लोग अंधेरा पे, तो अभी आप लोगों को अंधेरा होने पे दिखाएंगे, 1 2 3। तो अभी फाइनली जो है अपना बाइक में इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ से कैमरा दिखा देते हैं, यहाँ पे बैक वाला कैमरा हो गया, फ्रंट वाला जो कैमरा है इधर पे इंस्टॉल्ड है। देन उसी के बाद में अगर यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो देन इट विल स्विच ऑन द डिस्प्ले एज वेल। तो अभी अपने को फाइनली जो है एयरप्ले जो सिस्टम है वो इंस्टॉल होके मिल गया है, एंड अभी बाइक भी क्लीन होगी अपनी तो अच्छी लग रही है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे इसमें फ़ीचर बता दूंगा, क्योंकि अभी नाइट हो चुका है तो उसकी वजह से जो डिस्प्ले है वो भी अच्छा आ रहा है। तो कुछ इशू की वजह से आई गेस मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम माई माइक। एंड अभी आप लोगों को बाकी चीज़ें बताते हैं। बाकी एक बार इग्निशन ऑन करने पे हम लोगों को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले में आप लोगों को फ्रंट स्क्रीन में दिखा देगा यहाँ पे मैप्स हो गया, और आप लोगों का जो भी ऑडियो अगर वॉइस से आप लोगों ने कुछ कमांड देना है वो हो जाता है, बाकी सारी ऐप्स मिल जाती हैं आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद में सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आप लोगों को सारी चीज़ें, डार्क मोड, ऑटोमेटिक जो डे और नाइट मोड रहता है वो सब सेट करने के लिए मिल जाएगा। उसी के अलावा अगर आप लोग देन उसके बाद में होम बटन प्रेस करोगे तो देन आप लोगों को यहाँ पे सारी ऐप्स दिख रही हैं। उसके साथ में व्हाट्सएप अगर करोगे तो व्हाट्सएप में जो भी आप लोगों को मैसेज आता है बेसिकली वो आप लोगों को अनाउंस कर देगा। एंड प्लस अगर मैप्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा इस डिस्प्ले में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा देगा, कोई सा भी लोकेशन सर्च करके देन यू कैन सर्च फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन, और आप लोग अपना मैप स्टार्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली जो कार में जैसा दिखता है उसी तरीके से आप लोगों को पूरा डिस्प्ले दिख जाएगा। और देन उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और है, यहाँ पे होम बटन दबाएंगे तो
अभी आप लोगों को यहाँ पे जो कार का जो आइकन दिख रहा है, इस पर अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो देन यू विल गो टू द मेन होम स्क्रीन, जहाँ पे आप लोगों को कार प्ले, ऑटो प्ले और वो सब दिखाता है, बाकी सारी सेटिंग्स दिखाता है जो बाई डिफॉल्ट डिवाइस में आती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, ब्लूटूथ जो कनेक्शन आता है वो आता है। अगर आप लोग ब्लूटूथ से सेना को इंटरकॉम से जो भी कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट इट थ्रू ब्लूटूथ। एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है, आप लोगों को जो भी ब्लूटूथ का जो इंटरकॉम होएगा वो डिवाइस दिखा देगा, इवन जो हेडफोन्स है वो भी दिखा देगा। तो अभी होम में जैसे कार में जाते हैं देन दोबारा यू विल गेट द सेम डिस्प्ले। DVR में अगर जाते हैं तो आप लोगों को ये बैक का कैमरा एक्टिवेटेड दिखा देगा, तो बैक का आप लोगों को सारी चीज़ें दिख जाएगी। इसको स्विच कर सकते हो रियर एंड फ्रंट में। तो अगर जैसे अभी सामने से पीछे से ऑटो जा रहा है, अभी यहाँ पे आगे चला गया तो मैंने फ्रंट में इसको चेंज कर दिया, तो आप लोगों को फ्रंट का डिस्प्ले आ जाएगा। और काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं, आप लोगों को डे नाइट मोड में स्विच कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑफ़ करना है डिस्प्ले तो देन यू कैन यूज़ दैट बटन, स्नैप कर सकते हो, आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए रिकॉर्डिंग कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अच्छे खासे फीचर्स हैं, काफ़ी फीचर लोडेड डिवाइस है। एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, अगर आप लोगों को अपना फ़ोन प्रोटेक्ट करना है देन दिस इज़ द लीस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। यहाँ पे आप लोगों को बाकी सारे जो हैं फॉर्मेट करने के लिए मेमोरी कार्ड वो सारा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से है। बाकी इसका मेन डिवाइस का पर्पस यही है कि आप लोगों का जो फ़ोन है उसका कैमरा सेंसर बचा देता है, आप लोगों को फ़ोन माउंट करने का ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ में आप लोगों को डिस्प्ले का भी बेनिफिट मिल जाता है, आप लोगों को मैप्स जो है वो अच्छे से दिखता है, एक अच्छा बड़ा स्क्रीन में दिखता है, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोगों को एग्जैक्टली जो है फ़ोन नहीं माउंट करना पड़ता है, उसकी वजह से आप लोगों का फ़ोन प्रोटेक्ट हो जाएगा। जो कैमरा होते हैं, कैमरा में आजकल सारे ही फ़ोन में सेंसर्स आते हैं, तो वो सेंसर्स का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों ने फेस किया है। सो दैट्स वाई जो कारप्ले सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम है, जो बाइक्स के लिए भी आने लग गए हैं, धीरे धीरे लोग लगवा रहे हैं, अच्छा चीज़ है। इवन सेफ्टी वाइज भी बहुत देखा जाए तो सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को कभी भी हाईवेज़ पे जा रहे हो, कोई भी मतलब हाईवेज़ पे जा रहे हो, तो आप लोगों के पास में हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग रहेगा। इवन सिटीज़ में भी आप लोगों को अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो इसमें हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग करेगा। अगर आप लोग मेमोरी कार्ड डाल देते हो देन इट विल रिकॉर्ड द वीडियो जस्ट लाइक ए डैश कैम आप लोगों को जो कार में मिलता है। तो फाइनली जो लास्ट चीज़ है वो कवर करते हैं, इस डिवाइस का प्राइस। तो इसका जो प्राइस है दैट इज़ 12,500 इंक्लूडिंग द फ्रंट एंड बैक कैमरा, विच इज़ वेरी रीजनेबल। क्योंकि इसमें प्राइस में आप लोग बहुत सारी ब्रांड्स अगर देखोगे तो या तो प्रोडक्ट रिलायबल नहीं रहता है, या फिर अच्छा नहीं दिखता है, या फिर लैग करता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बारे में आप लोगों को फ्यूचर वाले व्लॉग्स में बताते रहूँगा, जैसे जैसे मैं इस डिवाइस को यूज़ करूँगा फीडबैक मैं देते रहूँगा कंटिन्यूसली। एंड जो इसमें दो वर्जन आते हैं, एक है विदाउट डिस्प्ले, एक है विदाउट कैमरा और दूसरा है विद कैमरा, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो विद कैमरा है दैट इज़ 12,500, जो विदाउट कैमरा है अगर आप लोग सिर्फ डिस्प्ले लेते हो दैट विल कॉस्ट यू 11,500। सो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप लोग जो कैमरा है वो ना लो, क्योंकि एडिशनल जो है कम प्राइस 1,000 रुपीज़ का प्राइस देने में अगर आप लोगों को कैमरा मिल रहा है, सेफ्टी मिल रही है, सो दैट इज़ वर्थ। और बाकी जो है चीज़ें आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, जहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। देन यू विल गेट द डिवाइस विद इन 1 वीक, एंड देन इंस्टॉलेशन के लिए आप लोग कहीं भी अपने नियर बाई वर्कशॉप से जाके इंस्टॉल इजीली करवा सकते हो। तो ये इस तरीके से प्राइजिंग है, प्राइजिंग काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और उसी के साथ में आप लोगों को अगर कुछ भी क्वायरीज़ है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID इज़ नदीम अलवी ब्लॉग्स। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।